हे एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज़ शालिनी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ किचन डेकोर वीडियो। और बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर कि आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो लाती हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कटआउट जो मैंने लिए हैं, ये मैंने लोकली कट कराए हैं, पर आप इसे किसी भी कार्डबोर्ड पर कट कर सकते हो। ये इसमें मैंने एक बोतल का कटआउट लिया है, एक पाइनएप्पल कटआउट लिए हैं और तीन कटआउट लिए हैं स्पून, फोक और नाइफ़ के। यहाँ पर मैं इन्हें सबसे पहले बेस कलर कर रही हूँ, वाइट कलर। वाइट कलर हम सब पर वाइट कलर करेंगे और वाइट कलर के ड्राई होने के बाद ही हम इस पर कुछ वर्क करेंगे, क्योंकि जो हमारा मेन कलर है, अगर हम उसे डायरेक्ट करेंगे तो उसमें जो शाइनिंग रहेगी वो शाइनिंग नहीं आएगी। अब यहाँ पर जब हमारे ये कलर ड्राई हो जाएगा, वाइट कलर ड्राई हो जाएगा, तो हम इस पर एक टेक्सचर ऐड करेंगे। आपको मेरी वीडियो कैसे लगते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपको किस तरह की वीडियो पसंद है ये भी आप मुझे बता सकते हैं, और किस तरह का आप DIY या क्राफ्ट आइडिया पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि उसे मैं बनाऊं, उसे बनाऊं और क्रिएट करूं, तो आप वो भी मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यहाँ पर मैंने ये 5 पीस में कटआउट लिए हैं, आप कितने भी पीस कटआउट ले सकते हो और इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हो या एज यू विश, ये आप पर डिपेंड करता है, ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आपको इसे किस शेप में किस तरह से कट करना है और किस तरह से डेकोरेट करना है। और हमें इसके जो कॉर्नर हैं, कॉर्नर को भी पूरा फिल करना है, अच्छे से वाइट कलर से ही कलर करना है, जिससे इसके कॉर्नर भी अच्छे से कलर्ड हो जाएं। और जब ये हमारा ड्राई हो जाएगा तो हमें इसका बैक को भी कलर करना है, क्योंकि कभी कभी बैक जो है हमारी वो गंदी रह जाती है और फ्रंट हमारा अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने टेलकम पाउडर लिया है और उसमें मैं फैब्रिक कोल का यूज़ कर रही हूँ, उसे मिक्स करने के बाद मैं एक टेक्सचर पेस्ट जैसा पेस्ट बना लूँगी, जिसे हम इस पर एक स्टेंसिल वर्क करेंगे। ये मेरे पास में काफ़ी सारे स्टेंसिल हैं, कुछ मेरे फैब्रिक कलर के साथ में आए थे और ये मैंने इट्सी बिट्सी से परचेज किया था। इसे मैं बोतल पर हाफ नीचे की साइड और हाफ ऊपर की साइड टेक्सचर दूंगी। हमें इसमें ध्यान रखना है स्टेंसिल वर्क करते हुए कि जब हम इस पर टेक्सचर पेस्ट लगाएंगे वो ज़्यादा ना तो पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो, और जब हम इस पर पेस्ट लगा देंगे तो हम इसे बहुत इजी वे में ही इसे उतारेंगे, जिससे हमारा जो टेक्सचर है वो ख़राब ना हो। इसे मैं बहुत आराम से ही उतारा है और टेक्सचर को पूरा क्लियर करा है। और हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि हम जब भी स्टेंसिल को दोबारा से यूज करेंगे तो उसे अच्छे से क्लीन कर कर ही यूज करेंगे। और अब यहाँ पे जो मैं बोतल का नेक वाला पार्ट है, नेक वाले पार्ट पर भी मैं एक फ्लावर का ही टेक्सचर दे रही हूँ, जो हमारा ये बॉर्डर वाला स्टेंसिल है उसी की हेल्प से, और बहुत आराम से हम इसे उतारेंगे। और अगर हमारा साइड से कुछ एक्स्ट्रा रह गया है तो उसे साइड पर ही हम पेस्ट कर देंगे, वो हमारा कुछ भी ख़राब नहीं होगा। अब जो हमारा पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल पे भी हम, क्योंकि इसमें पाइनएप्पल में हमारे कट्स बहुत हैं, तो इसे इस पर मैं बॉर्डर वाला स्टेंसिल का ही यूज कर थोड़ा थोड़ा सा जो हमारे कट पर स्पेस है वहाँ पर ये स्टेंसिल वर्क करूँगी, जिससे इस पर भी थोड़ा थोड़ा सा टेक्सचर आ जाएगा। हमारा पाइनएप्पल पर जो ये टेक्सचर आएगा ये बहुत सुंदर लगेगा। और जो ऊपर लीफ वाला एरिया है, लीफ वाले एरिया पर मैं एक बटरफ्लाई बनाऊंगी। ये वाला स्टेंसिल मेरा फैब्रिक कलर के साथ में आया था, जो फैब्रिक केल के फैब्रिक कलर होते हैं उनके साथ में आया था, और लीफ पर मैं हल्का हल्का सा टेक्सचर लीफ के शेप में ही लगाऊंगी, उसे हम जो हमारे नाइफ़ होती हैं नाइफ़ की हेल्प से ही लगाऊंगी।
अब हम अपनी जो ये स्पून फोक और नाइफ है अब इन पर हम करेंगे स्पून, क्योंकि हमारे स्पून में कोई भी कट नहीं है और ये इसका ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा है तो इस पर हम बटरफ्लाई बनाएंगे और जो नीचे स्पून की स्पेस होता है उस पर हम ये जो बॉर्डर वाले स्टेंसिल हैं उनसे कोई छोटा वाला बॉर्डर बनाएंगे और फोक और नाइफ पर भी हम इसी तरह से बनाएंगे और इन्हें ड्राई होने में कम से कम 5 to 6 hours लगेंगे। ड्राई हो जब हमारा ये ड्राई होगा उसके बाद में ही हमें इन्हें इन पर कलर करना है। आफ्टर 5 to 6 hours हमारा ये ड्राई होगा तो ये उतरेगा नहीं, जो हमारा टेक्सचर पेस्ट आते हैं वो थोड़ा कॉस्टली आते हैं तो ये इस तरह के DIY करके हम अपना टेक्सचर पेस्ट बना सकते हैं और ये बड़ा ये इजीली यूज किया जा सकता है। इसे जो ये टेलकम पाउडर वाला टेक्सचर है टेक्सचर पेस्ट है हम इसे किसी भी सरफेस पर यूज कर सकते हैं। हमारे ये जो टेक्सचर है वो सारा ड्राई हो गया है, ये अब हम इस पर ब्लैक कलर सभी जो हमारे कटआउट्स हैं उन पर हम सबसे पहले ब्लैक कलर करेंगे। इसे इन्हें हम आज एंटिक लुक देंगे। जितने भी हमारे ये टेक्स जितने भी हमारे कटआउट्स हैं इन सबको हम एक एंटिक लुक देंगे, तो इन सबको हम ब्लैक कलर से कलर करेंगे। फिर उसके बाद में जहाँ जहाँ पर हमने टेक्सचर दे रखा है उस जगह बहुत हल्का हल्का सा फिंगर की हेल्प से हम गोल्डन और सिल्वर कलर की जो डस्ट होती है वो कर सकते हैं। आप जो इसके कलर आते हैं गोल्डन और सिल्वर कलर आते हैं वो एक्रेलिक में वो भी कर सकते हो, पर मैं यहाँ पर डस्ट कलर का ही यूज़ करूँगी। हियर वी हैव टू कीप वन मोर थिंग इन माइंड, जब हमारा ये कलर हमें सेमी ड्राई करना है, फुली ड्राई नहीं करना है ब्लैक कलर जब हम डस्ट कलर करेंगे, और सब पर हम इक्वली बहुत हल्का हल्का सा डस्ट करेंगे जो हमारे बोतल पे हमने कॉर्नर पर डिजाइन बनाए हैं टेक्सचर से उस पर भी हमें बहुत हल्का हल्का सा डस्ट करना है और जो मिड वाला पार्ट है बोतल में उसे ब्लैंक छोड़ना है। वहाँ पर हम कुछ क्वेट्स लिखेंगे जो हमारे किचन से रिलेटेड होंगे। Thank you.
जो हमारी बोतल है, बोतल के मिडिल वाला पार्ट से हमारा ब्लैंक है, तो उस पर मैं एक कोट्स लिखूंगी, मील्स एंड मेमोरीज आर मेड हियर। ये आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पर यही वाला कोट्स लिखूंगी। सबसे पहले मैं इसे वाइट पेंसिल की हेल्प से लिखूंगी और उसके बाद में इसे वाइट जो एक्रेलिक कलर है उसकी हेल्प से डार्क कर दूंगी। और जब हमारा ये वाइट कलर, जो हमारा वाइट कलर है वो ड्राई हो जाएगा, उसके बाद में जो भी इसमें दिखाई देगा बैक से पेंसिल का वर्क, उसे इरेजर की हेल्प से रिमूव कर दूंगी, इरेज कर दूंगी। यहाँ पर हमारा फिर भी थोड़ा सा एरिया ब्लैंक रह गया था, जो खाली खाली सा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मुझे लगा यहाँ पर भी हमें किचन से रिलेटेड कोई वर्क करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पलटा बना दिया है और इससे हमारा ये जो किचन डेकोर आइटम है ये बहुत सुंदर लग रहा है। अगर आप इस तरह का कोई भी मेरा DIY आपको अच्छा लगता है और आप इस तरह का कोई भी बनाते हो, तो प्लीज़ आप उसकी पिक्चर मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, मेरे साथ में शेयर कीजिए। मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आप भी मेरे साथ में बना रहे हो। और अब यहाँ पर जब हमारा ये ड्राई हो जाएगा, ड्राई होने के बाद में मैं यहाँ पर वॉर्निश यूज करूँगी। ये जो वॉर्निश है ये क्राफ्ट वॉर्निश है, क्राफ्ट यहाँ पर ये वॉर्निश मैंने इट्सी बिट्सी से ली थी। और वॉर्निश का यूज करने के बाद इसे मैं 12 आज के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी और ये हमारा फुल्ली वाटर प्रूफ हो जाएगा। इसे ये ज़्यादा हैवी नहीं है, तो इसे मैं बोथ साइड टेप की हेल्प से ही हैंग करूँगी। आप इसमें बैक साइड में क्लिप का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर हमारी जो किचन डेकोर क्राफ्ट है वो कंप्लीट है। अगर आपको मेरे ये क्राफ्ट आइडिया अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, अपने कमेंट शेयर कीजिएगा।